बलरामपुर जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य 10 मई से प्रारंभ हो गया है और इसके संग्रहण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिले को 1,43,900 मानक बोरा खरीदी का लक्ष्य है। दूसरी ओर तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। उनका मानना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार तेंदूपत्ता 550 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से खरीदी जा रही है, इससे उन्हें काफी फायदा होगा। वहीं दो मुंशियों के विवाद से जलबोथा मगाजी के ग्रामीण काफी नाराज है। वे तेंदूपत्ता तोड़कर उसे फड़ में बेचने से नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में तेंदूपत्ता खरीदी दर बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसका असर अब दिखने लगा है। फड़ में संज्ञान में मिला है कि दो मुंशी आपस में करने के कारण पत्ता फड़ में संग्रहित नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज इस मामले में मैं भी आया हूं देखने के लिए। वो 5 साल जो है पहले खरीदी किया भैया, पहले जो है 16 साल में खरीदी किया था। 5 साल वो किया तो मैं उसको जो है छोड़ दिया, जो जाओ अब भाई आपके नाम से जो है नियुक्ति हो ही गया, तो मैं आ करके उसको मैं अपने से भी फड़ में पत्ती जो है बेचा और इन साल फिर मैं जो है करा लिया फड़ को, मेरे नाम से जो है नियुक्ति आया।